नागदा में युवा ने पेश की मानव सेवा की मिसाल। जी हां, जब वर्तमान व पूर्व पार्षद ने नहीं ली जल भराव से पीड़ितों की सुध, तो हारे प्रत्याशी ने ही बनाए भोजन के पैकेट। पूरा माजरा वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां बीजेपी कांग्रेस के पूर्व व वर्तमान पार्षद ने सुध नहीं ली, तो वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय युवा हारे पार्षद प्रत्याशी भूपेंद्र टटावत ने घर में जल भराव पीड़ितों को मदद कर निकाला। साथ ही वार्ड वासियों को अपने कार्यालय से भोजन के पैकेट बनवा कर घर घर जाकर बांटे। ऐसे में मानवता की मिसाल युवा भूपेंद्र टटावत ने दी है। भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा पानी वार्ड नंबर 1 चेतनपुरा में, जो इंदिरा नगर है, वहाँ पर भरा है। लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से वहाँ सोने की, खाना बनाने की जो सारी व्यवस्था है वो उनकी सब बिगड़ चुकी है। जैसे ही मुझे 6:45 मेरे मित्रों के द्वारा, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने खुद ने इतने इतने 3-3, 4-4 फीट पानी में जाकर देखा कि छोटे बच्चे घरों के अंदर पानी की वजह से फंसे हुए, उनको जो प्लास्टिक के खाली कूलर आते हैं उनके अंदर हम हमारी व्यवस्था के हिसाब से लाए, कहीं पटिया मिला, नाव मिली, उसके हिसाब से हम उनको बच्चों को सुरक्षित बाहर लेकर आया। वहाँ पर जो पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद कोई आपको दिखाई दिए? वहाँ ना पूर्व पार्षद दिखे ना वर्तमान दिखे। वहाँ लोगों से हमने पूछा कि सुबह से कोई सहायता के लिए नहीं आया, क्योंकि सुबह 7 से 10 तो हमको ही बच गई थी, वहाँ तब तक कोई नहीं था। लोगों ने भी यही बताया कि भैया ना वर्तमान पार्षद वहाँ आए ना पूर्व आए, हम फोन लगा लगा के थक गए, कोई नहीं आया। किस तरह से भोजन की व्यवस्था उनकी कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अभी खुद मैं बस सेवा कर रहा हूँ वहाँ के लोगों की। ये पैकेट पैक हो रहे हैं जिन्हों में सब्जी है, पूड़ी है। अच्छा, और क्या, कितने लोगों का भोजन पैकेट? मैं 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। 200 लोगों के भोजन? हाँ। अच्छा, और भी अगर आपको इस तरह से लोग दिखते हैं नागदा में किसी शहर, तो आपसे क्या संपर्क कर सकते हैं अगर पीड़ित हो तो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नागदा के ऐसे गरीब लोग जो कैसे बिल्कुल फंसे हुए, जो वास्तविक? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज नागदा में जो अभी पिछला भी चुनाव हुआ था कुछ दिनों पहले, जो पार्षद सारे जीते उनको भी अपने अपने वार्ड में वो सारी सेवाएं देना चाहिए जिन वार्डों में ऐसी स्थितियां हैं। क्या प्रशासन की कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है पैकेट की भोजन, आपने क्या देखा? हाँ, वार्ड नंबर 1 में तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से, बाकी और किसी वार्ड में होगी तो उसकी हमें जानकारी नहीं है।